बाद एक समय के बाद नौकरी के बाद वो रिटायर होते हैं, उसको लेकर बीजेपी हाई तवा मचा रही कि आप धमकी दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग लगता है कि भाषा और भाव दोनों को समझने में नाकामयाब रह रहे हैं, लगातार असफल रहे हैं। तेजस्वी जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तत्पश्चात कल मैंने की। हमने क्या कहा कि हम विरोध करेंगे, जन समर्थन मांगेंगे और गांधीवादी सत्याग्रह का नाम सुना है उन्होंने, फूल देंगे, कहेंगे कि साहब स्वस्थ होइए, गेट वेल सून, ये तरीका है विरोध का। अगर इसको कुछ और समझ रहे हैं तो जाहिर है धमकी की जुबान वो बोलते हैं। मैं क्या एक एक करके अगर पन्ने खोल दूं ना इनकी कार्यस्थानियों के, तो मुश्किल हो जाएगी। बस इतना ही कहना। कह रहे हैं कि बौखला गए हैं आप लोग सीबीआई के डर से। एक तो आप मुझे बेहद खुशी है कि आज कई इंग्लिश डेलीज ने और हिंदी के अखबारों ने वो जो गुरुग्राम का मॉल था उसके बारे में, मॉल के मालिकों ने, प्रोजेक्ट के मालिकों ने कह दिया कि तेजस्वी जी का कोई ताल्लुक नहीं। तेजस्वी जी ने खुद ही एविडेंस सामने रख दिए थे। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? डर गए हम? हमने तो सबूत रख दिए। माफी मांगनी चाहिए सीबीआई को और माफी मांगनी चाहिए उनके मालिकों को जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। तो जाहिर तौर पर बौखलाहट कहाँ है ये जनता समझ रही है। एक और सवाल है कि आप लोगों का कोई डर है या ऐसा संभावना है कि जिस तरीके से सीबीआई की जो टीम आई थी वो अभी भी पटना में है, खोजबीन जिनके यहाँ भी रेड हुआ तो चल रहा है, तो क्या कल तेजस्वी यादव या राजद के तेजस्वी जी के कोई और नज़दीकी जिनको यहाँ रेड कर सकती है, उठा सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है? आपको याद हो जब हम सरकार बना रहे थे तो तेजस्वी जी ने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे घर में आकर के दफ्तर खोल लो, क्योंकि आप यही करेंगे। आपको बिहार में जो कुछ हुआ वो पच नहीं रहा। नीतीश जी और तेजस्वी जी, हम सब साथ आए, सरकार का स्वरूप बदला, चरित्र बदला, कार्यशैली बदल गई। तो ये मैं समझता हूँ कि पटना से ज्यादा दिल्ली के इनके आकाओं को पच नहीं रहा। तो ये तमाम कोशिश करेंगे। हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि आप जो करना है कर लो। इस प्रक्रिया में आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हो और बिहार का बच्चा बच्चा अब गुलाब का फूल लेकर के सीबीआई वालों के पीछे दौड़ेगा, आईटी वालों के पीछे दौड़ेगा, भैया फूल ले लो, स्वस्थ हो जाओ। इसके लिए तैयार रहना होगा और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक और सवाल कि जिस तरीके से जंगल राज कहा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर मैं तो सरकार को? नहीं मैं तो कल परसों सदन में तेजस्वी जी ने कहा कि ये कौन सा तिलिस्म है मैं बता दीजिए, कि जब आप अंदर होते हैं तो मंगल होता है, जब आप बाहर होते हैं तो जंगल हो जाता है। पारिवारिक कारणों से कुछ होता है, अनुसंधान उसकी होती है, पुलिस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी बता देते हैं। तब भी अगर आप जंगल राज कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर जंगल राज आपके जहन में है, आपके मानसिकता में है, आपके मनसा वाचा कर्मणा में है। उस जंगल को दुरुस्त कीजिए ना, सब मंगल रहेगा।